ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरे पास है बोया का BY-M1 माइक। सो आज अनबॉक्स करेंगे इसी माइक को और जानेंगे कुछ बातें इसी माइक के बारे में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पैकेज बॉक्स के तरफ हमें यहाँ पर पूरा ब्रांडिंग मिली और लिखा है यहाँ पे लेयर माइक्रोफोन माइक्रो क्रेविट। यहाँ पर लिखा कंपैटिबल विद फोन टैबलेट लैपटॉप कैमरा डेस्कटॉप। और यहाँ पे एक फोटो है माइक सुपर साउंड का प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग के बारे में। इस तरफ हम लिखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन कैम रिकॉर्डर DSLR ऑडियो रिकॉर्डर PC एक्सेट्रा। मॉडल नेम लिखा है, पीछे कुछ फीचर का स्पेसिफिकेशन भी है जैसे फीचर्स जैसे क्लिप ऑन माइक और स्मार्टफोन डीएसएलआर एक्सेट्रा। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज लो हैंडलिंग नॉइज इंक्लूड लिप क्लिप एंड पर्सनल इंक्लूड। स्पेसिफिकेशन में ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक कंडेंसर है ये पोलर पैटर्न का ओमनी डायरेक्शन है फ्रीक्वेंसी रेंज और सिग्नल आप इसको को कॉपी भी पढ़ सकते हैं। इस पे MRP की है 1995 रुपीज़। लिखी है और ये अमेजोन पे मुझे मिला कुछ 789 रुपीज़ का। इस तरह हम इसे टॉप पर और नीचे हमें कुछ नहीं मिलता है। तो आप चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर मिलता है हमें एक छोटा सा सिंपल सा पाउच जिसके अंदर सारे हमारे एसेंशियल चीज़ें और ये एक सिंपल सी मैनुअल जिसकी आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा माइक है तो ज़रूरत पड़े शायद नहीं पड़ेगी मुझे टाइम। सो इसके अंदर हमें मिलता है हमारा माइक सबसे पहले। तो इसकी जो केबल है वो है 20 फीट की केबल, मतलब बहुत लंबी केबल है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने में। और यहाँ पर हमें एक स्विच मिलता है मोड हमें स्विच करने के लिए, एक है कैमरा और या दूसरा मोड है स्मार्टफोन मोड। तो इसके अंदर हमें एक बैटरी लगानी होती है, ये हम लोग क्लिक कर सकते हैं हमारी पैंट में। और ये रहा हमारा मेन माइक। और इस वॉच के अंदर हमें मिलता है ये एक फॉर्म मिलता है माइक का, एक हमें कन्वर्टर मिलता है ऑफ टू एम्पलीफायर 3.7 mA। और एक बैटरी मिलती है हमें जो है LR44 और एक क्लिप मिलता है। और इसके अंदर हमें मिलता है जेल जो कि स्मेल्स को हटाने के लिए होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें ये पहले मिलती है LR44 बैटरी, ये एक कन्वर्टर मिलता है जो कि हम लोग उसमें बॉक्स में लगा के इसको एक एम्पलीफायर का बना सकते हैं। और ये स्पन मिलता है माइक के लिए यहाँ पे, इसको हम भी लगा लेते हैं। जिस तरह से लग जाता है माइक पे हमारा स्पंज और ये जो क्लिप है ये कुछ इस तरह यहाँ पर लग जाता है, बस इसको बस इंसर्ट करना होता है प्रेस करके नीचे से। और ये लग चुका है यहाँ पे, अब उसको हम क्लिप कर सकते हैं। और ये LR44 जो बैटरी है हमारी इसको भी हमें लगाना होता है। तो ये जो बैटरी है ये हमें इसके अंदर लगानी होती है, इसको हम अनस्क्रू करते हैं। फिर यहाँ पे इस जगह पे हमारी ये बैटरी लग जाती है कुछ इस तरह। तो ये हमारी बैटरी लग चुकी है, अब हम इसको वापस स्क्रू ऑन कर देते हैं। तो ये वापस टाइट हो चुका है बिल्कुल, तो ये माइक बिल्कुल रेडी फॉर यूज है। ये एक
ये है इसकी बॉक्स कंटेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी। तो भाई अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वह है मेरे फ़ोन की फ़ोन के माइक से। अब मैं इस माइक को लगा देता हूँ। तो गाइस अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है माइक से। तो आप देख सकते हैं क्लैरिटी कितनी अच्छी है इस माइक की, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। तो ये मतलब ये माइक बहुत काम आएगा, मतलब काम आता है जैसे अगर मीटिंग कर रहे हो, फोन किसी दिन मीटिंग हो रही है तो माइक को यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई मतलब वायर इसकी बहुत लंबी है, तो अगर आप दूर भी जाते हो उसको लेके तो 20 फीट लंबी वायर है, तो बहुत दूर भी हो सकते हो कैमरा से, तब भी आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। That's it for today's video. I hope you liked it. If you did, please comment, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.